हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। ताजी नौकरी ते एक बार फिर तो थोड़ा स्वागत है। थोड़े लिए हर टाइम हर समय न्यू अपडेट लैके हाजिर होंगी अपनी टीम। दोस्तों अज की वीडियो थोड़े लिए बहुत खास होने वाली है। अज की अपडेट पंजाब आंगनबाड़ी भर्ती के संबंध में है। बहुत सारे उम्मीदवार वेट कर रहे हैं मैरिट लिस्ट की, और बहुत सारे उम्मीदवार कमेंट करते हैं ज्वाइनिंग लैटर को लैके। तो अज इस संबंध में आप पूरी जानकारी थोड़े नाल साझी करांगे। उस तो पहला चैनल पर नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सारिया नवी अपडेट्स थोड़े तक समय सिर जो पहुँच सकन। तो सब तो पहला आप अज गल करते हैं एक नवे अपडेट की। एक नवे जिले के नवे ब्लॉक के ज्वाइनिंग लैटर दिते गए, किहड़े जिले में दिते गए और किहड़ा ब्लॉक सीगा उसके बारे जानकारी देंगे। उस तो इलावा आप गल करांगे रुकिया हुई मैरिट लिस्ट के उपर, और उस तो बाद आप गल करांगे ज्वाइनिंग लैटर के उपर। सारी जानकारी इस वीडियो दे विच सांझी करते रहेंगे। और अगर चैनल पर नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब करने के नाल नाल अपना टैलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि उस दे विच भी तुहानू नवी नवी अपडेट मिलदी रहन। सब तो पहला आप गल करते हैं जिहड़े अज नवे ज्वाइनिंग लैटर दिते गया। यह ज्वाइनिंग लैटर पटियाला जिले दे विच दिते गया। तो गल करिए आप पटियाला जिले की, तो इस ब्लॉक का रिजल्ट आ चुका गा और पटियाला रूलर का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया। बट हाले तक पटियाला अरबन का रिजल्ट जारी नहीं होया गा। इस करके दस दिए कि पटियाला अरबन वाले स्टूडेंट्स नू थोड़ी होर वेट करनी पेगी, क्योंकि लिस्टा तैयार कीतिया जा रही ने। क्योंकि सब तो पहला लिस्टा तैयार कीतिया गई ने जो ब्लॉक दियां अते रूलर एरिया दियां, तां रूलर एरिया दियां लिस्टा आ चुकिया ने। हुण गल पटियाला अरबन की लिस्ट बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। और अज पटरान दे विच जो नियुक्ति पत्र दिता गया, तो उससे आप वैबसाइट देखिए तो जो रिजल्ट है अपन जो दिखाई दे रहा गा पटियाला वैबसाइट उपर पटड़ा का, और इस दे विच अलग अलग जो उम्मीदवार ने सिलेक्ट हुए ने जिन्हों का पहला ही नंबर मैरिट लिस्ट दे विच नाम आया, उन्होंने सारे उम्मीदवार अज नियुक्ति पत्र दिते गया, जिस दे विच लगभग 20 प्लस कैंडीडेट आ। और ये उन्हां साथियों की फोटो है पटड़ा के MLA साहिब के नाल, जिहड़े साथियों नूं अज वर्कर हैल्पर अते मिनी वर्कर दे जो नियुक्ति पत्र दिते गया। तो लगभग 20 प्लस हैल्पर सीगे अज वाले इस मीटिंग दे विच जिन्हां नूं नियुक्ति पत्र दिते गया, और लगभग 5 तो 10 वर्कर सीगे जिन्हां नूं नियुक्ति पत्र दिते गया। तो हुण इन्हां उम्मीदवारां नूं अपने वल्लों लख लख मुबारकां कि ये पंजाब सरकार का एक हिस्सा बन जा रहे जिहड़े कि हैल्पर वर्कर अते मिनी वर्कर होंगे। तो गल करिए आप इन्हां दे अगे प्रोसैस की, तो अगे का प्रोसैस जो मैडिकल है उन्हां नूं अज दस दिता गया कि लगभग 15 तरीक तो पहला पहला इन्हां साथियों का मैडिकल होगा, अते उस तो बाद पुलिस वेरीफिकेशन जो तुसी करवा के दफ्तर दे विच अपना सर्टिफिकेट जो करैक्टर सर्टिफिकेट पुलिस दे वल्लों बनेगा तुसी जमा करवाना होगा, अते जो मैडिकल तुसी पास करोगे मैडिकल का भी तुहानूं सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट भी तुसी CDPO ऑफिस दे विच जमा करवाना होगा। तो उस तो बाद जो नैक्सट प्रोसैस होगा सेंटर ज्वाइनिंग का, जो कि तुहानूं सेंटर जिहड़े सेंटर दे लई तुसी अप्लाई कीता सी तो तुहानूं वो सेंटर दे दिता जाएगा। इस तो बाद गल कर लेंदे आपां बाकी जिलियां दी, तां उस दे लई एक वार तुहानूं ऑफिशियल वैबसाइट SSWCD दे उपर लैके आ चुके हैं। और कैबिनेट मंत्री जो डॉक्टर बलजीत कौर जी आ, उन्होंने भी इस चीज़ का भरोसा दवाया है कि इस मंथ दे विच लगभग सारे जिले जिहड़े पेंडिंग दे विच पए आ उन्होंने मैरिट लिस्ट जारी करके ज्वाइनिंग लैटर दे दिते जाणगे जिहड़े स्टूडेंट्स एलीजिबल होणगे। तां इस करके आपां गल करिए फिरोजपुर की, तो फिरोजपुर के सारे करीबन करीब जो लिस्टा ने जारी हो चुकिया ने। गल करिए मुक्तसर जिले की, तो मुक्तसर जिले की हाले तक वेटिंग चल रही है। उसका कारण है कि कुछ साथियों ने दसिया गया इनफॉर्मेशन दी है कि FIR इस भर्ती के उपर की गई है, तो वह हाले चीज़ कन्फर्म नहीं होगी क्योंकि हाले तक उसके बारे सानू कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं मिला।
बट स्टूडेंट्स काफ़ी कह रहे हैं कि FIR हुई है, जिस करके जो मुक्तसर का रिजल्ट रुकया हो और बाकी भी कई जिले का रिजल्ट रुकया हो। अगर FIR होंगी भी है तो अपन देखा भी है कि जो पिछले बीते दिन मलोट विच अपना एक चीज़ नोट की है कि डिपार्टमेंट वालों जो CDPO ऑफिस के उपर कार्रवाई की गई है, उसका कारण है कि रिश्वत जो उतों के CDPO ऑफिस के इंचार्ज से वो लै रहे थे, जिस करके उन्होंने उपर कार्रवाई हुई है। अगर कार्रवाई उस टाइम हुई है तो उसका जिले के उपर पूरा प्रभाव पवेगा और बाकी जिले पर भी प्रभाव पैंदा है, क्योंकि उस तो बाद जो CDPO ऑफिस वाले ने उन्होंने भी इस चीज़ का पता चल जाता कि हुण सरकार दे वल्लों पूरी सख्ती वरती जा रही है, पूरी कार्रवाई की जा रही है। तब वो इस करके जो पहला वाला रिजल्ट हो सकता है कि रोक के नवा रिजल्ट तैयार करने के लगे हो, कि जोड़े साथी सही होने जिन्हों के एलिजिबल हो गए सिर्फ उन्होंने लिस्ट के लिया जाए, क्योंकि आप देखा ही है बहुत सारे जिले हाले भी अजे आ जिथे लिस्टा सिर्फ और सिर्फ उन्हों स्टूडेंट्स की जारी की गई ने जिन्हों मैट के रख्या गया। बट बाकी आप गल करिए जिमें हम आप आही वैब आप लिस्ट देख रहे हैं जिड़ी कि पटना की है पटियाला, और इतने अपन जिन्हें भी साथियों ने अप्लाई किया चाहे उसके नंबर 50 तो घट आ चाहे वाधा चाहे जिन्हें भी आता सारे उन्होंने जो नंबर है उन्होंने शो कराए गए और स्टूडेंट्स का नाम भी शो कराया कि उन्हें दसवीं विचों किन्ने नंबर ले आ, प्लस टू विचों किन्ने नंबर आ, ग्रैजुएशन की है तो उसके ETT BEd जो भी किया उसके नंबर टोटल काउंट करके दस गया। तो यह एक बहुत वधिया आप कह सकते मैरिट लिस्ट, पर बहुत सारे जिले अजे आ जिथे सिर्फ और सिर्फ उन्हां स्टूडेंट्स का नाम शो किया गया जिन्होंने ज्वाइनिंग लैटर दिते गया। तो यह चीज़ पर भी इनकुआरी होनी चाहिए है कि बाकी लिस्टा सारिया जारी हो रही ने पर इन्हां दी क्यों नहीं कीतियां जा रही और क्यों हाफ कीतियां जा रही ने, तो इस संबंध में तुसी सहमत हो या फिर नहीं हो तुसी अपना कमेंट करके जरूर दसना। और उम्मीद करते हैं कि इस मंथ के सारे जिले जिहड़े बाकी बचे आ उन्हां नूं भी मैरिट लिस्टा जारी करके नियुक्ति पत्र दिते जावन। बाकी FIR का की प्रोसैस है जा हुई है या फिर झूठ है उसके बारे भी आपां तुहानूं पूरी जानकारी नैक्सट वीडियो में देंगे। और होर नवीं अपडेट लई अपना चैनल ताजी नौकरी सबसक्राइब कर लो। धन्यवाद।